तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में राहुल जी के साथ हम पावर बीआई की रिपोर्ट ऑटोमेशन में हम डैशबोर्ड्स के बारे में बात करेंगे कि डैशबोर्ड होता क्या है, डैशबोर्ड का इस्तेमाल करते कैसे हैं और डैशबोर्ड्स बनाते कैसे हैं। और राहुल जी, आपकी क्लास शुरू हो रही है कुछ फ्यू सेकेंड्स में। और यस जो सर, YouTube पे हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और पूरी सिक्वेंसली वीडियो चाहिए तो मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी वीडियोज, एक मैं मोबाइल ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस मोबाइल ऐप पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लें। साथ में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं, अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो भी समझ में आएगा कि पावर बीआई कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो डैशबोर्ड्स बनाने की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम डेटा कनेक्ट करेंगे, और डेटा मेरा एक्सेल फॉर्म में है इसलिए हमने यहाँ एक्सेल पे क्लिक किया, या यहाँ से भी हम क्लिक कर सकते हैं। हालांकि पावर बीआई बहुत ही अलग अलग तरह के डेटा को लेता है, लेकिन फिलहाल मैं एक सिंपल सा डेटा यहाँ पे लोड करता हूँ। टेबल में हम पे क्लिक किया, हमने टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोड पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे पिवट टेबल में हम पिवट टेबल जब लगाते हैं तो सारे फील्ड्स आ जाते हैं, इसी तरह से यहाँ पे हमारे सारे फील्ड्स आ गए। सर एक चीज और, सर इतनी छोटी टेबल पर ये टाइम लगाता है, अगर मेरा डेटा हुआ एक्सेल में राउंडली बल्ला आके तूला। देखिए सर, ये हमारी ये पहली डैशबोर्ड है आपके साथ, इसे छोटा डेटा दिया हो ताकि आप इफेक्ट। नहीं, सर मेरा कंसर्न ये था कि पावर बीआई में मैंने भी छोटा डेटा लिया था तो उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग था कि मतलब उसे लोड होने में, तो क्या सर ये बड़े डेटा में भी ऐसा ही करता है क्या? ये देखिए लोड होने में टाइम थोड़ा लगाता है, क्योंकि जब लोड करता है तो डेटा पूरा कॉपी करता है और इसके साथ रिलेशनशिप्स और बहुत सारी चीज़ चेक करता है। ओके, इसलिए थोड़ा टाइम लेता है, और टाइम जो है वो डिपेंड करता है आपकी सिस्टम की कैपेसिटी पे कितना टाइम लेगा वो। ओके सर, तो हमने डेटा लोड कर लिया है, राइट। सबसे पहले मुझे ज़रूरत है अपने चार अपने रिपोर्ट की हेडिंग की। ओके, तो रिपोर्ट की हेडिंग के लिए हम इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ गया, जिसके कारण इसमें कुछ टाइप करना है हमें, राइट। तो जैसे बेसिकली मेरा सेल्स रिपोर्ट है, तो मैं यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट का यहाँ पे हम करते हैं, लिखते हैं सेल्स रिपोर्ट 2021। ये बहुत छोटा है तो यहाँ से हम 60 हमने कर दिया, उससे भी थोड़ा सा कम करते हैं, 40 करते हैं। और यहाँ से अंडरलाइन दे सकते हैं, यहाँ से बोल्ड दे सकते हैं। टेक्स्ट की कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि टेक्स्ट की कलर क्या होनी चाहिए। ओके, क्लियर है? ये हमारे टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आ गए। अब मुझे यहाँ पे जो है क्योंकि मेरा जो रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं मेरा जो रिपोर्ट है ये इस तरह से डेट वाइज है ना। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे मंथली एक फिल्टर, मैं क्या चाहता हूँ कि मंथली एक फिल्टर हो जहाँ पे मैं अपना मंथ चेंज करूँ और मुझे उसका टोटल दिख जाए। तो मेरे डेटा में मंथ नहीं है, तो हम डेटा में कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने न्यू कॉलम पे क्लिक किया, मतलब कि जो डेटा आया है उसके अलावा यहाँ पे कुछ और डेटा भी ला सकते हैं, फॉर्मूला वगैरह लगा सकते हैं। तो मैंने मंथ लिया और यहाँ पे हमने फॉर्मेट फॉर्मूला लगा के और डेट डेट सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने दे दिया DDD, तीन बार DDD दे के एंटर मार। तो यहाँ पे मंथ आ गया। उसके बाद रिपोर्ट में हमारे पास यहाँ स्लाइसर होता है, स्लाइसर मतलब कि फिल्टर। तो यहाँ पे उठा के मैंने मंथ को रख दिया और ये आपका लिस्ट के रूप में आया है, हमें लिस्ट के रूप हटा के मैंने यहाँ से ड्रॉप डाउन मोड कर दिया और ये बहुत ज़्यादा यहाँ छोटा कर दिया। ये करना था सर, आपने वो DDD वाला फॉर्मूला लगा दिया है। हाँ, शायद प्रॉब्लम हुई है इसमें।
MMM, ठीक है सर। ये आपने जो फॉर्मूला लगाया इसमें सर आपने डेटा सेलेक्ट नहीं किया, ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है ये सर? जी हाँ, वो कॉलम कॉलम के अकॉर्डिंग चलता है, और एक इसमें कोई एक्सेल की तरह कोई सेल में फॉर्मूला नहीं लगता है, कॉलम में फॉर्मूला लगता है। आप एक ही फॉर्मूला लगाओगे ओवरऑल पे कैलकुलेट कर लेता है। जैसे सर आपने इस पर डेट अगर मेरी यहाँ पे थी एक्सेल सर उसमें और उस टेबल पे, अगर ये डेट कहीं बीच में होती सर यहाँ पे कहीं जगह पर नाम होता है एम्प्लॉई आईडी होती है, ये क्या होता है? कॉलम नेम से चलता है, सॉरी कॉलम नेम से चलता है, और सबसे लास्ट में ही बनाएगा आपका कॉलम। ओके ओके अच्छा मैं समझ गया सर, आप ये कह रहे हो कि ये डेट जो है उसका वो है कॉलम नेम है, टेबल नेम जो आपने टेबल सेलेक्ट वन, किया हुआ है। टेबल वन ये रहा ना, टेबल वन, हाँ टेबल वन का डेट। ठीक है सर, डन। तो यहां पे आ गया। उसके बाद मैं चाहता हूं कि यहां हमें टोटल सेल आ जाए, कि टोटल क्वांटिटी कितनी सेल हुई है, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, ठीक है। तो मेरे डेटा में यहां देख सकते हैं मैं डेटा में टोटल अमाउंट नहीं दिया हुआ है, और मुझे इस बार यहां हालांकि मैं यहां टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मुझे यहां एवरेज ऑफ एमआरपी एंड टोटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालना। तो अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक फार्मूला लगाएं कहाँ। तो देखिए, अगर आप कॉल यहाँ टेबल के ऊपर अगर कुछ करते हैं तो नई कॉलम ऐड करके फार्मूला लगा सकते हैं, नया टेबल ऐड करके फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट में आप कोई फार्मूला लगा रहे हैं तो उसके लिए हम मेजर्स इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेजर्स। तो न्यू मेजर्स पर हमने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा, हाँ यहाँ पर टोटल क्वान्टिटी, टोटल क्वांटिटी, टोटल से ये हेडिंग होता है, समझे? ओके सर। तो मेजर्स करते समय हम पूरा अच्छा से लिखते हैं ताकि यहाँ ठीक से आए, वरना मुझे फिर वो टेक्स्ट बॉक्स लेके उसके बगैर समझाना पड़ेगा। और जैसे एक्सएमएल सम फार्मूला होता है, ऐसे यहाँ सम फार्मूला है, हमने सम फार्मूला में बोला कि टोटल ऑफ क्वान्टिटी को मुझे बता दो, आ गया टोटल क्वान्टिटी। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और मेजर्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ रेवेन्यू, ठीक है ना, टोटल सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। अब यहाँ जो है हम करते हैं सम ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एवरेज ऑफ एमआरपी, क्योंकि एमआरपी का टोटल निकालना सही नहीं होगा, क्योंकि वो हर प्राइस का अलग अलग एमआरपी है इसलिए, और सिंगल प्राइस का है। जैसे कि यहाँ डेटा में देखेंगे कि इसने 84 क्वांटिटी 20 रुपये में बेचा नहीं है, 20 रुपये के हिसाब से बेचा है, एक क्वांटिटी 20 रुपये की है, तो अमाउंट हो जाएगा 84 मल्टीप्लाई 1600 कुछ हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये किया हुआ। अब मुझे ये फील्ड उठा के रखना है, मतलब कि टोटल उठा के रखना है, तो मैं ये ऐसे रखता हूँ तो इस तरह से दिख रहा है, लेकिन अगर टेबल पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से दिखेगा, लेकिन सही नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे टोटल फिगर देना है। तो हम यहाँ पावर बी आई में कार्ड होता है, तो कार्ड को हमने लिया और कार्ड को यहाँ पे ऊपर डालता हूँ और इसमें टोटल क्वान्टिटी डाल देते हैं, ठीक है। टोटल सेल्स क्वान्टिटी आ गई, उसके बाद वापस हमने एक और पे क्लिक किया, इसमें हमने टोटल सेल्स रेवेन्यू डाला और यहाँ पे हम इसको छोटा करके ऊपर डाल दिया। हालांकि इसकी फॉर्मेटिंग हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते थे, हो गया सर? ओके, ऊपर में जगह एक्स्ट्रा बच रहा है तो ऊपर से छोटा करते हैं, नीचे से ज़्यादा बड़ा करते रखेंगे तो ये देखते हैं, लाइनिंग डॉट लाइनिंग आ रही है आपका, ये बताता है कि कितना क्या हुआ है। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक लाइनिंग चाहिए, राइट? तो इंसर्ट में हमारे पास इंसर्ट बॉक्स हो गया, बटन्स हो गया, शेप्स हो गया, शेप्स में आपको यहाँ दिख रहा है लाइन सर? ओके, हमने लाइन को लिया और लाइन को यहाँ पे
लिया और इसको बड़ा कर देता हूँ। राइट राइट, तो रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग जैसा करना चाहे उस तरह से आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अब जो है मुझे नेम वाइज क्वांटिटी का टोटल चाहिए, तो मैंने यहाँ से अपना बटन अपना चार्ट्स विजुलाइजेशन को सिलेक्ट करते हैं, विजुलाइजेशन को रखते हैं, यहाँ से नेम को रखते हैं, क्वांटिटी को रखते हैं और फिर इसको अपने हिसाब से छोटा करते हैं। फिर इस पे जो हम ऐड नहीं कर सकते सर, ये इस पे मैं भी ट्राई मैंने रिपोर्ट बनाई थी, इसमें जैसे हम चार्ट में ऐड करते हैं कि जो हमारा जैसे क्वांटिटी है तो सभी के ऊपर ये शो कर दे। हाँ, तो वो चीज़ें अगर करना चाहते हैं तो यहाँ इसकी फॉर्मेट में होती है, फॉर्मेट में जाके आप जैसे यहाँ पे डेटा लेवल है, मैंने क्लिक कर दिया तो डेटा लेवल आ जाएगा। ओके सर, ओके, ठीक है ना। ओके सर, वो तो डिपेंड करता है, और नीचे स्क्रॉल बार आया हुआ है क्योंकि हमने इसको बड़ा नहीं किया है, तो हिसाब से बड़ा कर दीजिएगा तो स्क्रॉल बार हट जाएगा। ठीक है सर, ओके सर। उसके बाद मुझे मंथली सेल्स चाहिए, लेकिन उसको मैं ऐसे नहीं, मैं वाटरफॉल चार्ट में दिखाना चाहता हूँ ताकि पता चले कि क्या खेल रहे। तो वाटरफॉल चार्ट पे क्लिक किया, वाटरफॉल चार्ट आ गया। इस वाटरफॉल चार्ट में मैंने यहाँ से मंथ को रखा और मैंने क्वांटिटी को रखा, ठीक है। तो मंथली सेल्स रिवेन्यू और टोटल का दिखा गया कंट्रीब्यूशन की क्या सेल हो रहा है। तो जैसे दिख रहा है कि सेल्स लगभग जो है सेम ही है, सेमी स्पीड से बढ़ रहा है। ओके, उसके बाद मुझे इसमें एरिया का कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो एरिया का कंट्रीब्यूशन के लिए हमने पाई चार्ट लिया, पाई चार्ट को यहाँ रखता हूँ, इसमें हम एरिया देते हैं, एरिया, हाँ एरिया देते हैं, और इसमें हम अपना क्वांटिटी क्वांटिटी डाल देते हैं। राइट, ऊपर देखिए ऊपर का एक कट रहा है ना, दिख रहा है आपको, ये पीछे लाइनिंग हट रही है, तो इसमें बैकग्राउंड लगा हुआ है, तो फॉर्मेट में जाके मैं बैकग्राउंड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है ना। अब बॉर्डर तो हटा हुआ ही है, इसको सेलेक्ट करके सेम कर देता हूँ, बैकग्राउंड रिमूव। तो फॉर्मेट में जाके हम अपने चार्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं। राइट, अब वापस इंसर्ट में आता हूँ मैं, और एक लाइनिंग यहाँ से सैप्स में यहाँ से एक लाइन लेता हूँ और लाइन को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके, अब यहाँ जो मुझे दिखाना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिखाना है कि क्वांटिटी, और यहाँ पे हमने बटन गेट चार्ट लिया, हमने क्वांटिटी दिया, और यहाँ पे मेरा ये दिखा रहा है कि कितना हमारा सेल है। राइट, अब यहाँ आपको दिख रहा है मिनिमम और मैक्सिमम, तो फॉर्मेट में जाके भी अपना डेटा कलर वगैरह दे सकते हैं, टाइटल वगैरह दे सकते हैं, बैकग्राउंड दे सकते हैं, बॉर्डर शैडो सब दे सकते हैं, दिख रहा है सर। तो फॉर्मेटिंग में अपना फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और यहाँ अपना फील्ड को रख सकते हैं। और यहाँ हमने MRP लिया है, और इसमें क्या बोलते हैं, वापस हमने गैस चार्ट लिया नीचे, क्वांटिटी नहीं, यहाँ पे हम MRP रखते हैं। तो ऊपर वाले को थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसको भी फिट कर देता हूँ। उसके बाद डेट के हिसाब से मुझे फ्लो चाहिए, तो हमने लाइन चार्ट लिया क्योंकि फ्लो के लिए हमेशा हम लाइन चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा डेट यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे हमारा क्वांटिटी आ जाता है, और ईयरली दिख रहा है आपको, यहाँ से मैं क्लिक किया, और यहाँ से हमने डाउन डाउन एरो पे क्लिक किया तो क्वार्टरली आ गया, मंथली आ गया, और यहाँ डेट के हिसाब से आ गया। ठीक है, ओके। Okay.
उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैप चार्ट चाहता हूँ किस सिटी में क्या सेल हुआ है। तो मैप चार्ट ले लिया यहाँ पे। मैप चार्ट में हमने यहाँ सबसे पहले तो सिटी उठा के रख दिया, तो सिटी के यहाँ पे दिख जाएगा जो जो सिटीज हैं, और यहाँ बबल्स, जो बबल यहाँ दिख रहे हैं, बबल्स दिख रहे हैं ना सर? यस सर। तो इस पर हम क्वान्टिटी रख देते हैं यहाँ पे बबल्स की साइज पे। साइज यहाँ दिख रहा है, तो जिसके यहाँ जितना सेल ज़्यादा सेल होगा उतना बड़ा यहाँ पे बन जाएगा। तो एक डैशबोर्ड हमारे यहाँ तैयार हो गया। अब ऐसी यहाँ इसका नाम मैं दे देता हूँ, मैं इसका नाम दे देता हूँ सेल्स 21, राइट। आप प्लस करके आप दूसरा तीसरा चौथा डैशबोर्ड बना सकते हैं, इसमें और भी डेटा टेबल आप ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही एक फाइल में एक ही हो, इसमें कई सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। अभी रिपोर्ट हमारी बन गई है, तो बनने के बाद हमें इसको पब्लिश करना होगा। जब इसको पब्लिश करेंगे यहाँ पे सेव, सबसे पहले आपको इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। तो मैंने इसको सेल्स 2021 के नाम से हमने पावर बी आई के फाइल में सेव कर दिया। उसके बाद फिर ये इंटरनेट पर अपलोड करेगा सर। अब यहाँ पूछ रहा है कौन सा, तो मेरे वर्क स्पेस में, वहाँ पे अगर आपने जो जो फोल्डर बना रखे होंगे उसका आएगा, तो मैं वर्क स्पेस को सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर दिया। ये देखिए पब्लिशिंग दिख रहा है। अभी कितना टाइम लगाएगा और डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड पर, क्योंकि सारा का सारा डेटा ये ऑनलाइन भेज रहा है। अभी भेज दिया, सक्सेस हो गया। अब यहाँ पे बोलता है ओपन सेल्स इन पावर बी आई। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा वो खुल जाएगा, उसमें पावर बी आई का अगर आपका लॉगिन है तो वही पूछेगा, अदरवाइज आपको लॉगिन करने के पूछेगा। लॉगिन करने के बाद आपको ये कंसोल, इसी को बोलते हैं वेब कंसोल, वेब कंसोल आपको खुल के आ गया। ठीक है, ओके। अब इस फाइल को, अभी रिपोर्ट को यहाँ से शेयर कर सकते। अब जैसे कि आप पावर बी आई प्लेटफॉर्म पे ऑफिस में काम करेंगे, तो आपके सारे एम्प्लॉई के पास पावर बी आई का एक्सेस होगा। जिसको जो रिपोर्ट भेजना है, शेयर पे क्लिक कीजिए, उनके मेला ही डाल दीजिए, सेंड कर दीजिए। उनके वेब कंसोल में यहाँ शेयर विथ मी वाले ऑप्शन में सारे रिपोर्ट चले जाएंगे। समझ गए? ओके। उसके बाद यहाँ पे जो आपको एक्सपोर्ट करना है, तो आप पावर पॉइंट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे एनालिसिस इन एक्सेल पे जब क्लिक करेंगे तो एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगा एनालिसिस, लेकिन इसके लिए आपको प्रो वर्जन चाहिए होगा, फ्री वर्जन पे नहीं होगा। ओके, मैं परचेज करना होगा आपको इसके लिए, इसको बार भी। ओके ओके ओके। फिर यहाँ पे आता है सेव एज कॉपी हो गया, डाउनलोड कर सकते हो। परमिशंस, जैसे आपने जिस उनको भेजा है उनको परमिशंस दे सकते हो कि कौन रिपोर्ट देख सकता है, कौन एडिट कर सकता है, कौन क्या कर सकता है, परमिशन यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, राइट। प्रिंट कर सकते हैं आप यहाँ पे। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट रिपोर्ट, एम्बेड रिपोर्ट। अब इसमें दो चीज़ें आ रहा है, एक आ रहा है आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट रिपोर्ट, तो इस पर आप वेब पे क्लिक कर दें, राइट। तो यहाँ पे क्रिएट एम्बेड कोड आता है और पब्लिश कीजिए, तो ये आपको एक लिंक बना के दे देगा। तो एक लिंक जिसे आपने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया ना सर। अब इस लिंक को किसी को भी भेज दे या किसी वेबसाइट पे रख दे, कहीं भी रख दे, क्लिक करते ही यहाँ पे उसका रिपोर्ट आ जाएगा इंटरनेट पे, राइट। और यहाँ से वो मंथली, यहाँ से देखिए यहाँ से किसी भी क्लिक करके अपनी रिपोर्ट्स को चेक कर सकता है। ठीक है, लिंक के लिए सर उसके लिए पावर बी आई रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं? नहीं नहीं, वो डायरेक्ट ओपन कर सकता है, वेब नहीं, इंटरनेट पे यूज हो रहा है, क्रोम पे हम ओपन कर रहे हैं, इसे पावर बी आई थोड़ी है। ओके। उसके अलावा ये तो हो गए पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, इसको किसी वेबसाइट पे एम्बेड करना चाहते हो तो एम्बेड कर सकते हो। जैसे मैं एक करता हूँ, एक ब्लॉगर बनाता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरे एक ब्लॉग पे मेरा रिपोर्ट दिखे, जो भी ब्लॉग को खोले इसको दिखे। तो यहाँ हमारे पास एक ब्लॉग है, उस पर गया, जाने के बाद मैं यहाँ पे वो जो मैंने कोड था हमारा, इस कोड को मैंने रख के यहाँ पे अपडेट कर दिया, ठीक है। अब प्यू पे क्लिक करूँगा तो देखेंगे कि मेरा पावर बी आई रिपोर्ट, या मेरा डायरेक्ट इस पर खोलिए, मेरा ऐप, मेरा ब्लॉगर कोई खोलेगा तो ये देखिए पावर बी आई लोड हो रहा है। दो रिपोर्ट है इसमें,
दो रिपोर्ट यहाँ लोड हो रहा है, ठीक है सर। ओके तो दो रिपोर्ट को इस्तेमाल कर सकता है। तो ये पता चल गया आपको कि वेब पे कैसे ले जाएंगे। ओके सर। दूसरा होता है यहाँ पे क्यूआर कोड, जनरेट क्यूआर कोड। इसके लिए आपको आपका मोबाइल ऐप होना चाहिए, ठीक है। ओके तो जैसे कि ये मोबाइल ऐप में क्या होगा, मैं करके दिखाता हूँ। तो अभी क्या कर रहा हूँ, मैं मोबाइल अपने अपने मोबाइल पे इसको लॉगिन कर रहा हूँ, राइट। ओके उसके बाद ये आपका, अब मैंने इसको स्टॉप शेयर करता हूँ। इसको एक बार क्या करता हूँ, मैं यहाँ से जनरेट कोड कर देता हूँ, तो ये जनरेट हो जाता है। ये जनरेट हो गया, ठीक है, क्यूआर कोड जनरेट हो गया ना। अब मैं अपना मोबाइल कंसोल ओपन करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से स्टॉप शेयर करता हूँ, और इसके बाद हम क्या करते हैं कि मैं अपने मोबाइल को लॉगिन करता हूँ, ठीक है। अब मेरी मोबाइल स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। अब मैं मोबाइल पे गया और मोबाइल पे मैंने पावर बी आई डाउनलोड कर रखा है, पावर बी डाउनलोड करके हमने लॉगिन भी कर रखा है, ठीक है। ये पावर बी आई हमने खोला, खोलने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा पावर बी आई सेल्स, पावर बी आई डिटेल आ गया, एक्सप्लोर रिसेंट क्यूआर कोड था ना, ये सर मोबाइल में पूरा चीजें दिख रही है, बट इसमें सर होम के बराबर से तो नहीं होगा जो कैमरा का साइन बना हुआ है। हाँ यही है, यही है। तो अपडेट हुआ है ना, पहले कुछ और था, मैंने इसको किया, गॉट इट, कुड नॉट गेट द डेटा। एक मिनट, जब हम इसे स्कैन कर लेंगे तो सेम टेस्ट कोड हमारे डेटा पे आ जाएगा। जी हाँ, इसको मोबाइल पे आ जाएगा, राइट सर। हाँ जी हाँ, आपका जैसे स्कैन करेंगे, जैसे स्कैन किया ना हमने सर, लुक लाइक द रिपोर्ट। ओके, हमने ये इसको डाउनलोड करते हैं। कुछ प्रॉब्लम है वरना ये स्कैन करते ही आ जाता है। आई एग्री, समझ गया सर, ठीक है ना। ये लुक लाइक दिस रिपोर्ट इज नॉट अवेलेबल, इट मे बीन डिलीटेड, मे बी नॉट हैव परमिशंस। परमिशंस दे तो दिया था मैंने यहाँ पे, एम्बेड यहाँ पे जनरेट क्यूआर कोड, क्रिएटिंग क्यूआर, और यहाँ हमने नहीं, वही प्रॉब्लम है सर। मैंने यहाँ से करेंगे तो रिपोर्ट आपका सर मोबाइल पे आ जाएगा। कैसा आएगा मोबाइल पे रिपोर्ट आपका, जो रिपोर्ट बाकी रिपोर्ट दिख रहा है ना सर, इस तरह से रिपोर्ट आपका अपने सेलफोन पे खोल सकते हैं। ओके राइट सर। ओके सर, तो देखिए आपके सामने दिख रहा है, दिख रहा है सर। हाँ यस सर। चलिए तो मैं यहाँ से स्टॉप शेयर करता हूँ और रिक्लेम होस्ट और वापस आ जाता हूँ।
तो आपको समझ में आ गया कि पावर बीआई पे रिपोर्ट कैसे बनता है। यस सर, प्लीज एक हेल्प कर दीजिए, हाँ ये जो आपका रॉ था सिंपली जितना रॉ था वो ये सर एक बार मुझे शेयर कर दीजिए, डेटा चाहिए और आपको, ये डेटा हाँ डेटा ठीक है। और ये सर रिपोर्ट आपने बनाई है ये भी मुझे शेयर कर दीजिए सर, तो मैं इसे एक बार देख के। ठीक ठीक है, तो इस तरह से रिपोर्ट तैयार करते हैं, रिपोर्ट भी हम सबसे शेयर कर देता हूँ, कुछ ना मत कीजिए।